असलम एंड वेलकम टू द चैप्टर नंबर टू ऑफ पावर बी आई जिसके अंदर हम प्लॉटिंग 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 डेटा विजुलाइजेशन डेटा विजुलाइजेशन डेटा विजुलाइजेशन इसी पे काम करने वाले हैं ऑब्वियसली वर्क फ्लो के अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग पहले आता है लेकिन डेटा विजुलाइजेशन आप किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करने से पहले भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से नजर आता है एंड देन यू कैन डू द डेटा विजुअलाइजेशन अगेन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इस चैप्टर के अंदर मल्टीपल किस्म के हम काम करेंगे कौन कौन से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहे चैप्टर नंबर टू चार्ट्स एंड प्लॉट्स इन पावर बी आई इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं और इसमें हम जो चार्ट्स बनाने वाले हैं उसमें बार चार्ट है जिसको हम कॉलम चार्ट भी कहते हैं स्टैक बार चार्ट है जिससे कॉलम चार्ट भी बोलेंगे स्टैकिंग के बाद पाई चार्ट है डोनट चार्ट है फनल चार्ट है रिबन चार्ट है जियो मैप्स हैं एंड मैनी मोर चार्ट्स और इन सारे के सारे डेटा विजुलाइजेशन के चार्ट्स को हम पावर बी के अंदर देखने वाले हैं ऑब्वियसली डेटा विजुलाइजेशन डिपेंड करती है कि आपका डेटा किस किस्म का है नोमेरिक है या कैटेगोरिकल है या डेट एंड टाइम का डेटा है या जियो लोकेशन का डेटा है सो इन सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्लॉट कैसा बनना है और उस प्लॉट को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि पावर बी के अंदर हम कितने किस्म के चार्ट बना सकते हैं और वो कौन कौन से चार्ट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ यहाँ पर हमने पावर बी को ओपन कर लेना है अभी तो यहाँ पर जैसे हम पावर बी को ओपन करेंगे यू विल सी कि हमारे पास मल्टीपल किस्म का जो पावर बी आई वो ओपन हो जाएगा मल्टीपल किस्म से मुराद ये है कि मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम जो है वो विजुलाइजेशन स्टार्ट करेंगे ये हमारा पावर बी आई आ गया जनाबे वाला हम क्या करने वाले हैं रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी पहली रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी गेट द डेटा पे क्लिक करते हैं बल्कि एक्सेल का डेटा ही हम यहाँ से ले आते हैं जो हमारा पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था जैसे मैं डेटा को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ यू विल सी कि हमारा डेटा जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफरेंट किस्म की एक्सेल शीट में आ जाएगा मैं ऑर्डर्स पे चेक करके इसे लोड कर लेता हूँ आफ्टर लोडिंग द डाटा यू विल सी ऑन द राइट साइड यू हैव मल्टीपल ऑप्शन टू क्रिएट द चार्ट जिसमें यह वाला चार्ट बार चार्ट है चार्ट है ये भी ये भी ये भी ये भी ये डिफरेंट किस्म है बार चार्ट की फिर लाइन चार्ट है आपके पास एरिया चार्ट है फिर लाइन चार्ट है लाइन चार्ट है बार चार्ट दोनों ही इकट्ठे हैं देन यू हैव दिस काइंड ऑफ लाइन चार्ट एंड देन काइंड ऑफ यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ अदर चार्टैटर प्लॉट पाई चार्ट डोनर चार्ट ये जियो मैप्स हैं एंड देन देर आर अदर प्लॉट्स एज वेल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यू कैन सी मोर विजुअल्स एज वेल तो ये सारे के सारे चार्ट्स हम इसमें बना के देखेंगे ऑन द अदर साइड हमारे पास अगर आप इंसर्ट पे जाएंगे यू हैव ऑल द चार्ट्स अवेलेबल ऑन टॉप ऑफ दिस स्क्रीन एज वेल समवेयर हियर सो आप विजुअल्स में जाके यहाँ से डिफरेंट किस्म के बार्स एंड कॉलम चार्ट लाइन चार्ट वाटरफॉल चार्ट पाई डोनट चार्ट ट्री मैप मैप्स गेज कार्ट के पी आई एंड मैनी अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर ठीक हो गया जी ये सारे के सारे चार्ट्स हम बनाने वाले हैं डेटा विजुलाइजेशन क्यों जरूरी है क्योंकि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हमने करनी है और डेटा विजुलाइजेशन हमें बताएगी कि कहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है और फ़िल्टर कैसे करना है इस चैप्टर में मैं आपको खुश आमदी कहता हूँ और हम पावर बी ए को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं इस चैप्टर नंबर टू के अंदर अपना ख्याल रखें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ठीक अला हाफ़